प्रमेय 11.8 SAS समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तो उनके मध्य कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हमें दिया है दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं में त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोई संगत दो भुजाएं, तो जैसे इसकी भुजा हम ए बी लेते हैं ए बी, और इस त्रिभुज की ए बी के संगत भुजा ले ली डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर दूसरी भुजा ली हमने इसकी ए सी, ए सी बटा डी ई, इनका अनुपात डी एफ, ए सी बटा व डी एफ इनका अनुपात समान है, तथा उनके मध्य कोण ए बी और ए सी के मध्य कोण हो गया ए, और डी ई और डी एफ के मध्य कोण हो गया डी। तो इसमें दो भुजाएं समानुपाती एवं कोण ए बराबर कोण डी ई हमें दिया है, कोण ए और डी ए दोनों कोण बराबर दिए हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी के समरूप कौन सा हुआ डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ ये समरूप सिद्ध करना है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं, तो रचना में त्रिभुज ए बी सी में ए बी के बराबर इसमें एक भाग ले लेते हैं डी, ये हो गया पी, यहाँ ए बी बराबर डी पी, तथा ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू क्रमशः डी ई और डी एफ पर लिया, ये डी ई और डी एफ हमने ले लिया और पी क्यू को मिलाया, पी क्यू खींचा। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में, डी पी क्यू में ए बी, ए बी बराबर डी पी, इसकी भुजा ए बी इसकी डी पी, ये रचना में रचना से बराबर है। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर डी पी को कोण डी, ये हमें दिया हुआ बराबर दिया है, और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू रचना से तो इसमें ये हो गया भुजा कोण, भुजा
कोण भुजा सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज डी पी क्यू। हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम डीपीक्यू है, तो त्रिभुज एबीसी वो समरूप ही होगा त्रिभुज डीपीक्यू के। ये समीकरण हमारा बन गया ए। पुनः हमें दिया गया है एबी बट्टा डीई, एबी बट्टा डीई बराबर एसी बट्टा डीएफ, एसी बट्टा डीएफ ये हमें दिया है। रचना में हमने एबी बराबर डीपी खींचा था, तो एबी की जगह हम ऊपर रखेंगे यहाँ डीपी, तो ये हो जाएगा, ये होगा डीपी बटा डीई बराबर, एसी के बराबर हमने खींचा था डीक्यू, तो यहाँ हो जाएगा एसी की जगह हम रख देते हैं डीक्यू बटा डीएफ, डीक्यू बटा डीएफ। तो त्रिभुज डीईएफ में डीपी बटा डीई और डीक्यू बटा डीएफ जो यहाँ है, तो त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ, ईएफ में त्रिभुज डीईएफ में डीईएफ में ये हमने प्रसिद्ध कर दिया डीपी बटा डीई, डीपी बटा डीई बराबर डीक्यू बटा डीएफ, डीक्यू बटा डीएफ। तो डीपी बटा डीई है और डीक्यू बटा डीएफ है, तो बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए PQ समांतर ईएफ। इसलिए कोण पी और कोण ई, कोण पी बराबर कोण ई संगत कोण, कोण और कोण क्यू बराबर कोण एफ, कोण क्यू बराबर कोण एफ संगत कोण हो गया, और कोण डी बराबर कोण डी वैनिष्ठ निष्ठ। इसलिए ए ए ए ए ए समरूपता से त्रिभुज पी क्यू डी, पी क्यू डी या हम डी क्यू पी कह सकते हैं, डी इसको हम डी पी क्यू कहें, तो त्रिभुज देखिए या डी डी के बाद हमने ले लिया पी और क्यू, डी पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डी डी ई एफ, डी ई एफ। देखिए डी पी क्यू लिया हमने डी पी क्यू, इधर हो जाएगा डी ई एफ, जो क्रम इधर है कोणों का वही क्रम दूसरे में आना चाहिए। समीकरण नंबर हो गया दो। एक एवं दो से देखिए समीकरण एक में ये रहा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी पी क्यू के,
और यहाँ डीपी के समरूप है किसके, डीईएफ के। तो एक एवं दो से, एक एवं दो से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ इति सिद्धम। हमें यहाँ समरूपता में जो दो बातें महत्वपूर्ण हैं उनका ध्यान रखना है, वो इस प्रकार है। नंबर एक कि यदि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं तो अगर इसका कोण ए बराबर कोण पी के है, कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है, तो इनके सांकेतिक रूप में, इसको सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप में जो क्रम होना चाहिए, रूप में लिखने का जो तरीका है और जो क्रम है उसको ध्यान रखें कि जैसे इसमें ए बी सी है तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जैसे ए बी सी पहले ए फिर बी और सी है तो इसमें पी क्यू आर लेंगे, पी क्यू आर। अगर हम इसको मान लीजिए हम शुरू करना चाहते हैं बी से, या तो ऐसे लिखें या इसको यूँ लिख सकते हैं हम, जैसे बी से शुरू कर दिया त्रिभुज बी सी ए लिख रहे हैं, त्रिभुज बी सी ए लिख रहे हैं तो वो समरूप हो गया त्रिभुज, जिसे हमने बी सी ए लिखा है तो इधर होगा क्यू आर पी, त्रिभुज क्यू आर पी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हम यहाँ से सी से शुरू करें तो त्रिभुज सी सी बी ए, या सी ए बी, सी ए बी पहले सी लिया फिर ए बी, सी ए बी, तो वो समरूप होने का इधर इधर इसमें जैसे सी फिर ए बी लिया तो इधर होगा आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू। तो ये क्रम हमें ध्यान रखना चाहिए लिखने का जो तरीका है, हमेशा जब भी ये समरूप का चिन्ह लगा करके लिखेंगे तो दोनों तरफ के कोणों का क्रम है वो समान आना चाहिए। दूसरी इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे आपको दी गई त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर जैसे ये दिया है, तो इसमें आपको दो चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। पहली कि इसमें अगर कोण को अगर बराबर करें तो कोण का जो बराबर होने का तरीका है वो होगा कोण ए, वो होगा पी के बराबर, कोण ए बराबर कोण पी, फिर इसका बी आता दूसरा तो कोण बी बराबर होगा इधर कोण क्यू के, और कोण सी है कोण सी बराबर कोण आर के। ये तरीका आपको आना चाहिए। इसका दूसरा तरीका है कि इनकी भुजाओं को अनुपात में लिखें, तो भुजाओं को अनुपात में लिखते समय ये ध्यान रखें जैसे ए बी है इधर ए बी, ए बी तो इधर होगा बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर इधर हमने लिया बी सी तो बी सी बटा बी सी, जैसे बी सी बी सी लिया तो इधर होगा क्यू आर, क्यू आर, और इधर जैसे हम लेते हैं ए सी, ए सी तो बटा इधर आएगा ए सी के बटा इधर, जैसे ए और सी लिया पहला और तीसरा तो इसमें होगा पहला और तीसरा यानी पी आर होगा, पी आर। इस तरह से हमें ये अनुपात लिखना आना चाहिए।